आपको बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। नौशहरा, गिलगित, गजर में भी जलजिले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। नौशहरा, गिलगित, गजर में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ साथ नौशहरा, गिलगित, गजर में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए, जबकि नौशहरा, गिलगित, गजर में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि कोहाट, एबटाबाद, मियांवाली सूबाई में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। नौशहरा, गिलगित, गजर में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जलजिला जो है वो महसूस किया गया है। पिशावर और गिर्दोनिवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। नौलावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। नौशहरा, गिलगित, गजर में भी जलजिले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। इसी के साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। गिलगित, गजर और चित्राल में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ साथ नौशहरा, गिलगित, गजर में भी जलजिले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। जलजिले के झटके रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत नौशहरा, गिलगित, गजर में भी महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के साथ साथ पिशावर और गिर्दोनवाह में जलजिले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। मानसेहरा, मर्दान, सवात और बुनेर में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ साथ नौशहरा, गिलगित, गजर में और इसके साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी बारे जान लेते हैं नुमाइंदा फौजिया अली से। जी फौजिया, बताइएगा कि इस जलजिले का मरकज क्या बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत जो है वो 5.9 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी गहराई जो है वो 210 किलोमीटर है और मरकज जो है वो हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजिले महसूस किए गए हैं, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुजफ्फराबाद, मियांवाली, सवाबी, मानसरा, पिशावर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी झटके के जलजिले के झटके जो है महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ और हराज भी पाया गया है और इस वक्त जो है लोग जो कलमे तैयबा का वर्द भी करते दिखाई दिए और लोग घरों से बाहर निकले और इसकी शिद्दत जो है वो रेक्टर स्केल पे जो 5.9 रिकॉर्ड की गई है। जी फौजिया, ये भी बताइएगा कि इससे कोई जानी या माली नुकसान कितना देखने में आया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अभी कुछ देर पहले 9:16 पे जो है ये जलजिले के झटके महसूस किए गए थे, अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं है। तहम शिद्दत बहुत ज्यादा थी और उसकी गहराई भी जो है वो 210 किलोमीटर थी, तो लोगों में जो है वो खौफ़राज, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी खासतौर पर लोगों को ये जलजिले के झटके जो है वो शिद्दत से महसूस हो रहे थे। जलजिले के झटके जो है वो शिद्दत से महसूस हुए, जबकि 9:16 पर ये जलजिले के झटके महसूस किए गए थे। इसी बारे मजीद जान लेते हैं पेशावर से अपने नुमाइंदे जाकिरुल्लाह से। जी जाकिर, बताइएगा कि जलजिले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि जलजिले के झटके बहुत तेज थे, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल के मुताबिक 5.9 रिकॉर्ड की गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दीर बाला, दीर अपर, मर्दान, सवाबी, पेशावर, नौशहरा, मिंगोरा, दीगर इलाकों में भी जलजिले के झटके जो है वो बहुत तेज महसूस किए गए। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया, जबकि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो कलमे शहादत की व्यक्त करते हुए घरों से भी निकले, तो यहाँ पे रिएक्टर स्केल के मुताबिक की जमीनी गहराई जो है वो 210 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जी जलजिले की शिद्दत 5.9 थी। बहुत शुक्रिया जाकिरुल्लाह और फौजिया अली हमें अपडेट कर रही थी।